जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों ने सीज़र क्रॉसिंग के बारे में तो सुना ही होगा, काफ़ी टेक्निकल चीज़ है पर काफ़ी आसान चीज़ भी है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को आज लाइव डेमो दिया जाए, लाइव मैं सिखाऊं आपको कि सीज़र क्रॉसिंग कैसे काम करती है। अभी हम एक स्टेशन में पहुंचने वाले हैं जहां पे सीज़र क्रॉसिंग है और हो सकता है कि हमें वहां सीज़र क्रॉसिंग में क्रॉसिंग भी देखने को मिले, कुछ नहीं तो कम से कम हमें वो जगह तो देखने को मिलेगी, उसके बाद में उसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब से कुछ ही समय में हम लोग वहाँ क्रॉस करने वाले हैं। वो प्लाज नाम का स्टेशन है, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा अगर गलत प्रोनाउंस किया है। देखते हैं कैसी होती है सीज़र क्रॉसिंग और अभी हमें सीज़र क्रॉसिंग मिलती है कि नहीं, नहीं तो मैं आपको उस लोकेशन को दिखा करके चीज़ें ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इन्जॉय करते हैं। फिलहाल मैं हूँ 12627 बैंगलोर सिटी न्यू दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस में। तो अभी हमारा ये स्टेशन पोपलाज रेलवे स्टेशन शुरू हो चुका है। ये है सीज़र क्रॉसिंग की एक लाइन। सीज़र क्रॉसिंग उन इलाकों में बनाई जाती है जहाँ पे लूप लाइन वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं होता है, यानी इलाका ऊंचा नीचा होता है या वहाँ की मिट्टी इतनी स्टेबल नहीं होती है कि वहाँ पे लूप लाइन वगैरह बनाई जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ऊपरी लाइन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं हूँ कर्नाटका एक्सप्रेस में, लूप लाइन पर कोई ट्रेन नहीं है फिलहाल के लिए, इसमें तो नहीं है कोई ट्रेन। कर्नाटका एक्सप्रेस आगे की ओर बढ़ती जा रही थी और यहाँ से शुरू होता है हमारी सीज़र क्रॉसिंग। तो अगर हमारी ट्रेन को लूप में जाना होता तो लेफ्ट साइड जो आप ट्रैक देख रहे हैं इससे ट्रेन हमारी आगे की ओर जाती और ट्रेन स्ट्रेट आगे की ओर बढ़ जाती, और जो राइट में आपको ट्रैक अभी दिख रहा है इसमें ना जा करके लेफ्ट में जो सीधा स्ट्रेट जा रहा है ट्रैक इस पे चली जाती। जब पूरी ट्रेन स्ट्रेट हो जाती तो ट्रेन अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती। चले इस चीज़ को मैं आपको एक दूसरे वीडियो से समझाता हूँ जो मेरी रिटर्न जर्नी उद्यान एक्सप्रेस की जर्नी में हुआ था। दोस्तों, ये सेम स्टेशन है पोपलाज रेलवे स्टेशन जहाँ मैं कर्नाटका एक्सप्रेस से आपसे कुछ समय पहले गुजर रहा था। अगर हमारी ट्रेन को लूप में आना होता तो वैसे आती, जैसे अगर हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं LHB कोचेस की ये ट्रेन चेन्नई अहमदाबाद एक्सप्रेस आगे की ओर आई थी और ये अब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रही है। आप देख सकते हैं चेन्नई अहमदाबाद एक्सप्रेस रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। इसने पहले लेफ्ट साइड वाली लाइन को लिया था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, उसमें स्ट्रेट काफ़ी आगे तक आई और आप देख सकते हैं धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रही है। इससे होगा ये कि ट्रेन ने जो मेन लाइन थी जिसमें अभी हमारी उद्यान एक्सप्रेस गुजर रही है इसको खाली कर दिया, तो हमारी उद्यान एक्सप्रेस आगे की ओर बढ़ सकती है। ये सिंगल लाइन सेक्शन है, अभी यहाँ पे शुरू हो गई है सीज़र क्रॉसिंग। पर क्या होगा कि ये ट्रेन पूरा पीछे चली जाएगी, इसमें कम्प्लीटली इस जो क्रॉसिंग है इस मार्क को पूरा पार करके एकदम पीछे की ओर चली जाएगी। और जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ से पार हो जाती है तो ये जो लूप लाइन आप लोगों ने देखी अभी वो जो चली गई पीछे की ओर, इसको लेते हुए आगे की ओर निकल जाएगी मेन लाइन में। अभी ट्रेन देखिए रिवर्स डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती जा रही है और ये जो आपको जो लाइन दिख रही है ट्रैक इसमें आएगी पूरा पीछे तक, जब तक कि आगे वाले ट्रैक क्लियर ना हो जाए जहाँ से उद्यान एक्सप्रेस अभी हमारी आई है। ये स्पॉट की बात कर रहा था मैं, जब तक ये स्पॉट क्लियर ना हो जाए तब तक ये आगे की ओर आएगी और फिर ये वाली लाइन लेकर के ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो जो लूप लाइन थी यहाँ की सीज़र क्रॉसिंग में होता यह है कि ट्रेन लूप पर नहीं जाती, सिंगल ट्रैक में आगे की ओर बढ़ जाती है और यहीं से ट्रेन अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है, मतलब ट्रेन अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती है दूसरी लाइन के लिए रास्ता क्लियर करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इससे। इससे आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीज़र क्रॉसिंग क्या है और जल्दी कर्नाटका एक्सप्रेस की पूरी जर्नी चैनल में आने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसी पूरी जर्नी आती है ये इंटरेस्टिंग जर्नी आपको देखने को मिले। अभी मैं हूँ फिलहाल कर्नाटका एक्सप्रेस में, हम लोग पहुँचने वाले हैं डॉन रेलवे स्टेशन। मुझे इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये जर्नी जल्दी आपको भी देखने को मिलेगी। देख सकते कितने शानदार नज़ारे हैं मेरे पीछे, कितना अच्छा लग रहा है मुझे जर्नी में, तो इंतज़ार करिएगा आप भी। मैं भी जल्दी आप लोग के सामने जर्नी लेकर के प्रेजेंट होता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।